डिजिटल के साथ नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमान अल्लाह। नाजरीन, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे खूबसूरत पेंटिंग मौजूद है हमारी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, दूसरी जानेब वफाकी वजीर जनाब अब्दुल अलीम खान, तीसरी जानेब अगर नजर दौड़ाए तो बेगम कुलसूम नवाज अपने शोहर के हमरा नवाज शरीफ साहब को केक खिला रही हैं, और उसके साथ साथ जुनेद सफदर अपनी वालदा मरियम नवाज साहिबा के हमरा हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिल रही है कायदे आजम की तस्वीर, अब्दुल अलीम खान साहब की तस्वीर। आज के दौर में जब बढ़ती हुई महंगाई से लोग सियासतदानों से हैं परेशान और दिल में नफरत है पाल रहे, इस दौर में इन हालात में आखिर कौन है वो पेंटर जो मोहब्बत से इन सियासतदानों की तस्वीरें बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? शौकत अली। शौकत अली साहब, क्या कर रहे हैं इतनी बढ़ती हुई महंगाई में लोग सियासतदानों से नफरत कर रहे हैं और आप मोहब्बत में मेहनत करके तस्वीरें बना रहे हैं? हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये मुल्क के लिए काफी काम करते हैं, सियासी लीडर होते हैं तो जुम्मन। अच्छा। होती है ना, वैसे तो नहीं ना आती। ओके। ना हाँ, मैं जितने पैसे कमाता हूँ इतने आधा घर का खर्चा कर लेता हूँ, बाकी पेंटिंग पे लगा लेता हूँ, कुछ सियासी लीडरों की बनाता हूँ। अच्छा, तो ये मोहब्बत से बनाते हैं, ऑर्डर पर बनाते हैं, क्या वजह से? नहीं, अपनी मोहब्बत से बनाता हूँ, ले या ना ले, लेकिन मैं इधर डिस्प्ले कर देता हूँ, क्योंकि यूरोप कंट्रियों में भी लोग बनाते हैं, अपने सियासी लीडरों के बनाते हैं, उनके बादशाह होते हैं उनके बनाते हैं। ठीक है, मैंने सोचा की मैं भी इनकी बनाया करूँ, की मुल्क के लिए इतना काम करते हैं। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा की, नवाज शरीफ साहब भी है, जुनेद सफदर भी है, इमरान खान कहाँ है? इमरान खान के अभी बनाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा दौर बदलेगा फिर बनाएंगे। ठीक है, दौर के बदलने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर हमें एक और बड़ी सियासी जमात के लीडर नहीं देखने को नजर आए, देखने को मिले जनाब बिलावल साहब, नहीं देखने को मिले जरदारी साहब, नहीं देखने को मिले। हाँ। उनका तो दौर चल रहा है, फिर उनकी तो बना लेते हैं। उनकी बना के रखी हुई है मैंने। अच्छा। हाँ, की बना के रखी हुई है। ठीक है। हाँ, बिलावल की भी बनाऊंगा। ओके, अच्छा तो लोग कोई अप्रिशिएट करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या आकर आपको कहते हैं क्या तुमने इन सियासतदानों की तस्वीरें लगाई है? लोगों का रद्द अमल क्या है? लोग आते हैं जी, हमें ये नहीं पसंद, आप उसकी बनाए, आप उसकी बनाए, हमें ये नहीं लीडर पसंद, अच्छा इसकी क्यों लगाई है? लेकिन मैं जिसका दिल करता हूँ मैं बना के रहता हूँ, लोगों के पीछे तो नहीं ना मैंने जाना। अच्छा, मैं लगा देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई हो और बहुत ज्यादा अच्छी कीमत दे गई हो, बहुत किसी चाहने वाले ने, कदरदान ने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर खरीद ली हो? पेंटिंग खरीदी है मैंने, एक पेंटिंग 20,000 की छोटी सी बेची थी। अच्छा, मोहतरमा कुसुम नवाज थी ना, उनकी बेची थी। अच्छा, किसी आदमी आया था गाड़ी में वो ले गया। ठीक है, कभी ऐसा हुआ की किसी सियासत जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने पेंटिंग्स बनाई हो और फिर मुआवजा ना दिया हो? बस हो जाता है, कभी कभी ले जाते हैं बाद में पैसे नहीं देते। कौन सी सियासी जमात के लोग हैं जो पेंटिंग्स बनवा लेते हैं और पैसे नहीं देते? बस वो छोड़े, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। चले थोड़ा सा हिंट दे दें, कहाँ से उनका ताल्लुक है? नहीं बताना चाहेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि इन लीडर्स की आपने पिक्चर्स बनाई हैं, अलीम खान से क्या इंस्पिरेशन है, इनकी कौन सी अदा से आप मुतासर हुए हैं? अलीम खान साहब है ना, ये बहुत अच्छे आदमी है, और ये इनका इंटरव्यू मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे भी, वैसे भी ये एक अच्छे इंसान है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि ये बहुत लोगों के पास जाते हैं, काम वगैरह करते हैं, सड़कों के, मोहल्लों के, गलियों के, उन्होंने बहुत सारे काम कराए, अच्छे आदमी है। अच्छा, इसलिए मैंने इनकी ज्यादा पेंटिंगें बना के रखी है। और मरियम नवाज साहिबा से क्या आपको ऐसी कौन सी उनकी बात अच्छी लगी जो उनकी भी आपने इतनी पेंटिंग्स बनाई हैं? हमारे मुल्क के सियासी लीडर हैं, हाँ, लोग आके पूछते हैं, मैंने बेची है, मरियम नवाज की भी बेची है, नवाज शरीफ की बेची है। अच्छा, तो मेरा तो काम है ना, मैं बना के रख देता हूँ। ठीक है, लोग खरीद के ले जाते हैं। कितना अरसे से पेंटिंग कर रहे हैं आप? इधर मुझे तकरीबन 12 साल हो गए, वैसे मैं 20-25 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, आज कौन सी ऐसी शख्सियत की पेंटिंग है जो सबसे ज्यादा मुआवजा देकर गई हो आपको? कुलसूम नवाज साहिबा की सबसे महंगी वही बिकी थी, और शायद ये उनके इंतकाल के बाद बिकी थी। हाँ, उनके इंतकाल के बाद। ठीक है, और इसके अलावा किस तरह के लोगों की आप पेंटिंग्स बनाते हैं? ये
अरब कंट्री के जो हैं उधर के ठीक है उनकी बना के मैंने बेची है काफी ठीक है और उधर से भी ऑर्डर आते हैं बाहर से भी काफी ऑर्डर आते रहते हैं ठीक है ठीक है बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का जी नाज़रीन आपने जाना इनका नजरिया मोहब्बत करते हैं तमाम उन सियासतदानों से जो खिदमत खल्क कर रहे हैं और उनकी पेंटिंग बनाकर यहाँ पर लटका देते हैं शोकेस कर देते हैं और कदरदान आकर अच्छी कीमत देते हैं और खरीद कर ले जाते हैं यकीनन हमारी आज की स्टोरी आपने बहुत पसंद की होगी हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए और इजाजत दीजिए अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को अल्लाह हाफिज़।